नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं हरिद्वार में। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो चुका है और इस शिविर में जहाँ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए, आम कार्यकर्ता शामिल हुए, वहीं कई खाप चौधरी भी इस शिविर में शामिल हुए। हमारे साथ गढ़वाला खाप के थामेदार बाबा श्याम सिंह भावड़ी मौजूद है। बाबा जी, इस शिविर में क्या क्या बड़े फैसले हुए? इसमें किसानों के मुद्दे थे या जो आर्मी की भर्ती के विषय में जो सरकार मुहिम चला रही इसके विषय में भी विचार हुआ। ये कई 20-21 मुद्दे किसानों के आज हरिद्वार शिविर के उस पर तय हुए। तो एक आम तौर पे बड़ा सवाल चूँकि गठवाला खाप को लेकर लगातार उठ रहा है पिछले कई महीनों से, आपके खाप के चौधरी सरप्रस्त बने हैं एक नई किसान यूनियन के, जिसमें इस यूनियन से ही टूट के बहुत सारे लोग गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई आप इस जो नई यूनियन बनी है इसके खड़े होने का क्या मकसद है? देखो, ये तो यूनियन तो बनती और बिगड़ती आ रही, यूनियन वही चलेगी जो उत्तर प्रदेश में शुरुआत 1987 में हुई थी। हमें इसका कोई मलाल नहीं है, वे भी भाई अपने ही हैं जो इसमें अलीगढ़ के गए, वे भी कल इसी में काम कर रहे थे, आज में अलग हो गए। वो तो जनता के ऊपर डिपेंड होगा मामला, अगर जनता किस आधार पर किस यूनियन को आगे बढ़ावेगी, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। किसान यूनियन वही चलेगी जो 1987 में बनी थी, जनता उसी के पक्ष में है, जनता ने मोह भंग नहीं करा। और ये जो यूनियन नई नई बनकर आ रही सामने, इनका तो मेन मकसद स्वार्थ का है भाई, कोई सरकार के माध्यम से चल रहा, कोई अपने स्वार्थ के माध्यम से चल रहा भाई। किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत वाली जो किसान यूनियन है वह किसान के हित की यूनियन है, इसी को सरे जनता देती आ रही, आगे देती रहेगी। अच्छा, जैसा भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये जो नया संगठन बन रहा है एक तरह से खापों की जो एकजुटता थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसे तोड़ने की भी कोशिश है और इसके पीछे सरकारी तंत्र भी काम कर रहा है, उससे आप कितने सहमत हैं? देखो, तोड़ने की और जोड़ने की वह जो बात है समाज के द्वारा है, कोशिश तंत्र सरकार भी कर लो, कोई भी कर लो, जो अस्थाई रूप से जमा हुआ है वो टूटने वाला नहीं, वो अपने जगह स्थिर बना रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चारी आपस में खापू में भी और भाई यूनियनों में भी तोड़ फोड़ कर अपना मतलब सिद्ध कर ले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसान यूनियन मजबूत है, जो कि तू रहे और पहले भी चलती आ रही, आगे भी जो कि तू चलती रहेगी। आज यहाँ आपने देख भी लिया होगा किसान कुंभ में जो हरिद्वार में शिविर लग रहा, चिंतन शिविर था कल, आज पंचायत हुई, इसमें भी आप सभी देख रहे, अगर जो जब बढ़ चढ़ का हिस्सा किसानों ने, अयोध्या तक के किसान यहाँ, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ, हरियाणा यहाँ, पंजाब यहाँ, राजस्थान यहाँ, कई स्टेटों के आदमी यहाँ से मौजूद हैं। ये सब आस्था के कारण ही तो हैं, इनकी आस्था किसान यूनियन में, महेंद्र सिंह टिकैत वाली यूनियन में आस्था है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले दिनों काकड़ा में एक पंचायत हुई, आपकी खाप के 7 थामेदार वहाँ पे थे, 7 शायद ही 7 साथी थामेदार हैं, तो ऐसे में चौधराहट का वजूद, ये एक तरह से चौधराहट के वजूद को चुनौती है? नहीं नहीं, ये चौधराहट को चुनौती नहीं दे रहे। देखो, वो तो विचार हैं, एक खाप चौधरी एक थामेदार, अगर आप आपस में एक खाप चौधरी अपने परिवार को विचार विमर्श के द्वारा तय नहीं कर सकता, अब बता थामेदार क्या करेंगे भाई। वो अलग थलग जो पढ़ रहा विचार विमर्श करता के पता ही है, थम्बेदार उसके साथ भी रहे हैं, कोई बात ऐसी तो थी नहीं, हमारा मनमुटाव नहीं है, कोई तकरार नहीं है, ना हम मनमुटाव उसकी गैल में चाहते, वो हमारे परिवार का बड़ा है, पर बड़ी सोच भी तो होनी चाहिए, जब सोच होगी तो जब भी तो आगे काम चलेगा। हम कभी भी टकराव की स्थिति में नहीं रहते, ना हम टकराव की स्थिति में रहे हैं, हम तो सेवा की जनता की सेवा में खड़े, जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं एक थम्बेदार हूँ, मैं थम्बेदार के नाते तक जनता की सेवा में हूँ, उसमें नमस्कार जी 84 हो, चाहे 52 हो, चाहे 18 काप हो, हमें तो जनता की सेवा करनी, हमें पद तक कोई लेना देना नहीं है, पद जनता ने दे रखा, जनता ने पद जो दिया, अब हमें जनता की सेवा करनी।
हम और इससे तो कोई लेना देना नहीं है। हमें राजेंद्र से कोई बात नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, ना हम राजेंद्र से मनमुटाव करना चाहते। राजेंद्र हमारे प्रति चाहे जो भी कहे हम उसे भी सहन करेंगे। हम एक जनता के सेवक हैं, हम जनता तय हैं, जनता हमारे तय नहीं, हम जनता तय हैं। अगर जनता हमारे से नाराज होगी, अगर हम गलत काम करेंगे तो हम अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ने की किसी की, हम अपने आप ही अपने कारनामों से गिरते चले जाएंगे। जैसा मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी तब भी चौधरी साहब ने उसके बहिष्कार का ऐलान करा। अब काकड़ा में महापंचायत थी तो उन्होंने फिर से कहा भाई गठवाला खाप के लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, जबकि गठवाला खाप के साथ तो थामेदार वहाँ मौजूद रहे और गठवाला खाप के लोग भी बड़ी संख्या में उस पंचायत में आए। तो क्या चौधरी साहब को इस तरह के आह्वान करने की क्या जरूरत पड़ती है या क्यों? मैं पहले भी कह चुका, वह उनके विचार करने की बात है। यूँ जनता को गठवाड़ा खाप को एक धोखे देने का मतलब है भाई। थंबेदार साथ तो वहाँ मौजूद थे, आप सभी ने वहाँ देखे भी हैं, उनकी मौजूदगी भी वहाँ पर थी। अगर हमारा चौधरी इस तरह का बयान ना दे, क्या गठवाड़ा को कोई फर्क पड़ जाएगा? और इस तरह का बयान देने से जनता एकजुटता में आई, पूरे वहाँ से साथ तो थंबेदार भी थे, पूरा गठवाड़ा वहाँ मौजूद था। अगर हमारा चौधरी इस तरह का बयान ना दे, अब हम तो इस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं, इस तरह का बयान ना दे जिस तरह जनता टूटे। तो आने वाले समय में जो इस तरह की कोशिशें एक तरह से खापों में एक तरह से टकराव की या खापों का जो एकजुटता है उसको तोड़ने की, उसे दूर करने के लिए आप अपने स्तर से भी कुछ प्रयास करें? नहीं नहीं, ना तो हमारे में कोई टकराव है और ना हम टकराव चाहते। जनता सब समझ चुकी, जनता बहुत जनार्दन के हिसाब से बहुत सियाणी होगी। वे बिल्कुल भी किसी बात को, अगर कोई बात किसान के हित में नहीं आवेगी और किसान हित बगल हो जाएगी और किसान उसे सहमत नहीं करने का, हम भी उसे सहमत नहीं, हम भी उसमें सहमत नहीं। हम तो यही चाह कि एकजुटता रहे और किसान के जो मुद्दे हैं वे उठाए जाएं, किसान के मुद्दे उठाने वाले के साथ में जनता हमेशा रही आगे भी रहेगी। तो गठवाला खाप का सहयोग भारतीय किसान यूनियन को इसी तरीके से मिलता रहेगा जैसे अब तक मिला? देखो जो मिलता रहा आगे भी बरकरार मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गठवाला खाप के प्रतिनिधि या हम कोई गलत काम करेंगे तो जनता हम ही तो कहेगी। एक बार नहीं कहेगी तो दूसरी बार तो कहेगी, तीसरी बार कहेगी, कभी तो कहेगी। और हम गलती पर गलती करे जा रहे तो जनता भी समझे। इतनी मूर्ख जनता नहीं है, जनता बहुत सियाणी हो रही हमारी। हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, वो बहुत होशियार है, समझदारी से काम ले। अगर मैं गलती करूँगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के, मैं मुझे माफ़ी तक भी मांगनी पड़ सके समाज के सामने। आप एक तरीके से शामली ज़िले में जो बिजली के मीटर इस वक्त लग रहे हैं उनके खिलाफ जो आंदोलन की भूमिका बन रही है उसमें आप अगुवाई की स्थिति में है, तो आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी? देखो ये किसानों के द्वारा लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने सरकार को पहले भी कह दिया, ये भी पीछे 10-12 दिन हुए एक मीटिंग किसानों की और सरकार के बीच में हुई, उसमें ADM साहब थे, SDM साहब थे, SC साहब थे, जितने भी बिजली विभाग के एक्शन थे उनकी सबकी मीटिंग कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। उन्होंने हमारे से प्रश्न किया कि बाबा जी शासनादेश 2021 में आया। हमने कहा ठीक है शासनादेश 2021 का आया, पर शासनादेश के बाद में 2022 में चुनाव भी हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। हमारी जो सरकार है उसके घोषणा पत्र में खुले तौर पर घोषणा की गई कि किसानों को कृषि भूमि पर निःशुल्क बिजली दी जाएगी। फिर मीटर लगाने का कौन सा औचित्य है, मनसब क्या है सरकार की? ये एक तरफ तो घोषणा फिर की कर रहे हैं और एक तरफ मीटरों की बात कर रहे हैं। मीटर लगाने का कोई औचित्य नहीं है, हम मीटरों को नहीं लगने देंगे। दूसरी बात आई किसानों के प्रति मीटर बिजली के बिलों की। SC साहब ने कहा कि बाबा जी बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे। ठीक है बिल्कुल मान गए हम, बिजली का कर्जा हमारे पे है, हमारा कर्जा मिल पे है। हमारे जो किसान हैं जब अपने परिवार का भी धंधा पेमेंट के हिसाब से नहीं चला सकते तो बिजली विभाग को कहाँ से देंगे? भाई हमने एक फार्मूला तैयार कराया भाई, जितने भी पिछले हफ्ते की पर्ची हैं और जितना हमारे पे बिजली का बका है हम पर्ची दे देंगे शासन के द्वारा, बिजली विभाग अपना पेमेंट कर ले, अन्यथा मैं बिल्कुल बात देना करें। इस बात पर हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, जब तक कि किसानों का मूल ब्याज तो चाहता है देते ही नहीं, पर मूल तो दे दें कम से कम। मिल मालिक सरकार मिल मालिक पर तो मूल दुआ दो, हम पेमेंट कर देंगे। ये बात कह दी। दूसरी बात हमने कहा भाई उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें मीटर लगाने की बात आई,
भाई पूरे उत्तर प्रदेश में मीटर लगा लो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक शामली जिला बहुत छोटा सा जिला है जी, पूरे उत्तर प्रदेश में मीटर लग जाएंगे तो शामली जिले में बैठ कर मीटर लगा लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। पर जब तक मीटर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लगेंगे हम लगन नहीं देंगे। हमने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया भाई हमारे सरकार के सामने भाई कोई जवाब तो हमें मिले नहीं। हमने यही कहा अगर मीटर लगाने की प्रक्रिया में कोई बाधा या कोई आपत्ति की बात आई तो यह जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हम उसे बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। तो आने वाले दिनों में बिजली के मीटर को हो शामली में 700 करोड़ से भी ज़्यादा भुगतान अभी चीनी मिलों पर बकाया है, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी शामली जिले में चल रहा है, तो इन मुद्दों को लेकर लड़ाई तेज होगी। तेज होगी जब तक हमने कहीं भी परसों जो थे उसमें नरेश टिकैजी भी थे, हमने एक धरना प्रदर्शन कराया उसमें एसडीएम साहब हमारे बीच में आए। हमने पहले भी कहा था भाई जो मांग किसान की है कम तक में जायज मांग तो मान लो, जैसा ट्वेल का ही है मुआवजा, ट्वेल का मुआवजा, एक नलका तो 30-35 हज़ार में लगता नहीं, ट्वेल कैसे लगा देंगे, 2-2.5 लाख रुपए में ट्वेल तैयार हो। किसान के पेड़ हैं, किसी का 30 रुपये, किसी का 35 रुपये, किसी का 1,000 रुपये, इस तरह से मुआवजा लगा रखा, पेड़ 10,000 का मुआवजा 2,000 का, जो काम इंसाफ है। जब तक इन मांगों को पूरी नहीं करी जाएगी तब तक हम हाईवे को बिल्कुल बनन नहीं देंगे। तो ये थे गठवाला खाप के थामेदार चौधरी श्याम सिंह बहावड़ी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक शामली ज़िले में किसानों की समस्याओं का हल नहीं होगा किसान आंदोलन का रुख अपनाते रहेंगे, और गठवाला खाप के चौधरी के अलग इन्होंने अपना मत रखा कि गठवाला खाप का समर्थन हमेशा भारतीय किसान यूनियन के साथ रहा है और हमेशा रहेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खापों की जो एकजुटता है वो पूरी तरीके से बरकरार रहेगी।